वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश भर में आज से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गई है। और अभी हम धनबाद रेलवे स्टेशन पर है, जहां की केरल धनबाद स्पेशल ट्रेन से मजदूर यहां पहुंचे हैं। लगभग 1200 से 1300 मजदूर यहां पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से वो तमाम मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जिससे कि मजदूर यहाँ पहुँचने वाले मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो हो रही है। अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा तो उसे यहां से सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्हें उनके लिए फूड पैकेट आदि की भी व्यवस्था धनबाद जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो कल भी जो नज़ारा देखने को मिला था वो नज़ारा आज एक बार फिर से आप देखें कि किस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग और उसके बाद गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत, गुलाब का फूल देने के बाद उन्हें फूड पैकेट और जो पानी की बॉटल है वो दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि किसी भी तरह से मजदूरों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्था है धनबाद जिला प्रशासन की ओर से की गई है। आप सुरक्षा की व्यवस्था देखिए कि किस तरह से सुरक्षा में तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, साथ में महिला पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस के पदाधिकारी हैं, सबों को यहाँ पर लगाया गया है। खुद DSP स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं से भी कोई कमी ना हो इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। स्वयं यहाँ पे ट्रैफिक DSP हैं सामने हमारे, उनसे बात करते हैं। सर बताइए किस तरह से व्यवस्था आपकी है, आज की व्यवस्था है और कल किस तरह की व्यवस्था थी? कल ही की तरह है, लेकिन आज की व्यवस्था में इतना ही अंतर है कि यहाँ से हम लोग गोल्फ ग्राउंड ले जा रहे हैं और वहाँ से जिन जिन जिलों के श्रमिक हैं उनको डेस्टिनेशन से वहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। यानी कि यहाँ से कॉमन बस में ले जा करके उन्हें गोल्फ ग्राउंड में उतारा जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से जो बसें लगी हुई हैं ये तमाम बसें गोल्फ ग्राउंड के लिए यहाँ से खुलेंगी और यहीं से मजदूरों को सीधे जब गोल्फ ग्राउंड ले जाया जाएगा तो गोल्फ ग्राउंड जाने के बाद ये मजदूर जो हैं वहाँ जा करके जिस जिले के होंगे उस जिले से संबंधित जो गाड़ियाँ होंगी उस पर उन्हें बिठाया जाएगा। तो एक व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की मुकम्मल व्यवस्था और पूर्ण सुरक्षा के साथ, कहीं से भी कोई परेशानी ना हो मजदूरों को, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से धनबाद जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की है, इसको आप भी देखिए कि ये जो बस है अब यहाँ से खुलने वाली है और जो मजदूर हैं इन्हें यहाँ से गोल्फ ग्राउंड ले जाया जा रहा है। और गोल्फ ग्राउंड जाने के बाद ये तमाम मजदूर, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल इन बसों में रखा जा रहा है ताकि किसी भी मजदूर को खासकर कोई परेशानी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सही तरीके से हो सके, इसका यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही हम कुछ मजदूरों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मजदूर हैं वो पिछले कई दिनों से थके हुए थे, उनकी जो परेशानी है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। सीधे एक मजदूर हैं यहाँ पे, आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? केरला से आ रहे सर। हाँ, कौन सा काम करते थे वहाँ? सेंटरिंग काम। वहाँ पे परेशानी हो रही थी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा। आने में कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हुआ? नसरुद्दीन। कहाँ के हैं? मैं इधर मधुपुर का हूँ, मधुपुर का। मधुपुर से? ठीक है, ये देवघर जिले के हैं जो मधुपुर के लिए यहाँ से फिलहाल तो पहले गोल्फ ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद इन्हें यहाँ से गोल्फ ग्राउंड से इन्हें जो मधुपुर की गाड़ी होगी, देवघर जाने वाली जो गाड़ी होगी उसमें उन्हें बिठा करके वहाँ भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि एक जो व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं वो मुकम्मल व्यवस्था धनबाद जिला प्रशासन की ओर से, और किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल धनबाद जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर रखा है। और ये तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ से आगे के लिए रवाना हो रहे हैं और हमने दिखाया कि किस तरह से धनबाद जिला प्रशासन की यह तैयारी है और कहीं से भी जो तैयारी है वो पूरी तरह से मुकम्मल आपको देखने को मिल रही है। और हम आपको बता दें कि कल की तरह ही आज भी धनबाद जिला प्रशासन ने वो तमाम व्यवस्था की है ताकि किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।